वेलकम टू श्रुति स्वीट स्पेशल। आज हम बनाएंगे चिली पनीर हक्का नूडल्स। स्पेशली ठंड के मौसम में गर्मा गर्म नूडल्स खाने का मजा कुछ और ही है। तो फिर चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम पानी को बॉईल करेंगे। मैंने 150 ग्राम नूडल्स लिए हैं। नूडल्स को 80% तक बॉईल करेंगे। हमारे नूडल्स रेडी हो गए हैं। का सारा पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसमें 1.5 चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च डाल के उसको अच्छे से टॉस कर लेंगे ताकि सब कुछ पनीर के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब एक पैन में तेल डालेंगे, उसमें सारे पनीर के पीसेस को रख देंगे और शैलो फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। पनीर को थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक रखेंगे, बीच बीच में उसको पलटते रहेंगे। तो पनीर रेडी हो गई है, उसको निकाल देते हैं। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे। तेल गरम हो जाए तब उसमें 1 चम्मच बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक चलाएंगे। उसके बाद उसमें लंबी कटी हुई वेजेस डालेंगे। मैंने 3 कलर की शिमला मिर्च और गाजर ली है। आप यहाँ पर प्याज को भी लंबा काट के डाल सकते हैं। इसको हम 5 मिनट तक चलाएंगे। अब उसमें लंबी कटी पत्ता गोभी डालेंगे, उसको भी 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। वेजेस को ओवर कुक नहीं करना है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। दो चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच विनेगर डाल के मिक्स कर लेंगे। एक 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर में 3/4 कप पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे। उसको हम वेजीज में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, अब हम उसमें फ्राई किया हुआ पनीर डालेंगे और 2 मिनट तक चलाएंगे। लास्ट में हम उसमें नूडल्स ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये नूडल्स चिली पनीर और हक्का नूडल्स का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे गर्मा गर्म चिली पनीर हक्का नूडल्स रेडी हो गए हैं।
अभी हम नूडल्स को सर्व कर देते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, स्पेशली बच्चों को तो ये नूडल्स ज़्यादा ही पसंद आएंगे। और आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।